अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। बड़ा बुरा वक्त आया जब आप गए थे। मैं तो अगर उनकी ऑफर मौजूद है आज ही असि कहना ले लो जेड़ा जेड़ा आंदा जे आ जाओ। मैं आपके चैनल के साथ से कहता हूँ मीर साहब से, तो जब आप कहेंगे हम लिखवा के ले आएंगे। हम पे दोस्त आओ सही एक बार आ जाओ। अगर वो ये दावा करता है ए खांग के एक बार खांग के कहो के मरने से पहले आ मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब गौर कर ले तो एक दफा झूम के कहना है ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। तो हम ये भी लिख के देने के लिए तैयार हैं, बल्कि इससे भी बड़ी बात करूं। तो मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप उनको ये भी लिखेंगे, अपनी तरफ से मुनादर भी अबू या नूरपुरी को भेजेंगे, साथ में 10 लाख रुपया आपको नकद इनाम भी देंगे, उसको हमारे सामने बिठा दिया जाए। तो मैं फिर इल्जामी जवाब के तौर पर इन्हें कहूंगा कि तुम कह रहे हो ना 10 लाख, मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई से 20 लाख रुपया दूंगा। लाओ अपने बड़े को मेरे सामने बिठाओ, साजिद मीर को बिठा दो, तकी उस्मानी साहब को बिठा दो, मुफ्ती मुनीब साहब को बिठा दो, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर। तुम तो 10 लाख कह रहे थे, मुझसे 20 लाख ले लो, और टाइम क्या मत तक है, और ये हलाल का 20 लाख रुपया हाय हाय चंदों का कमाया हुआ नहीं है, ये मेरी खून पसीने की कमाई में से, और ये 20 लाख रुपया देके अगर तुम लोगों का फिरका खत्म होता है तो मुझे कोई आर नहीं इसमें। लेकिन लाओ बड़े को बिठाओ साहब, इन बड़ों ने कब काम आना है इनके, बड़े इसलिए होते हैं ना जब मुश्किल वक्त आए। और अगर वो नहीं बैठना चाहता फिर आन रह जाएंगे अब्दुल मतीन भाई, कि मैं उसको कहता हूं यार मुबाहला कर ले। तौबा करो, मुबाहला गैर नबी के लिए करना हराम है। हां भाई कैसी लगी? मजा आया, बाल वापस आ जाए मुबाहले की ऑप्शन। अच्छा फिर उसने इस बात का जवाब गढ़ा। अबे साले, मैंने उसको कहा मुबाहला कर ले के हजरत अबू बकर से लेके हजरत अमीर मुआविया तक सारे सहाबी जन्नती हैं, मुबाहला कर ले। अगर तू सैयदना अमीर मुआविया को जहन्नुम की गिरोह की तरफ बुलाने वाला कहता है, ये आज लड़ाई खत्म कर देते हैं। हमारा कीदा व कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। अच्छा वाह, अहले हदीस भी मामू बनाते हैं, ये तो मामू वाले हैं ना, तो मामू क्यों ना बनाए। हां जाहिर है अल्लाह ने हर सहाबी का मगफू उन कि हर खता को इत्तहादी हो जैसी भी हो माफ कर दी है। फिर चूट पे मार रहे हैं इसके ऊपर, हमारे से मुबाहला कर ले। उसने पूरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया कि मुबाहला सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए था। कुरान पढ़ो अल्लाह के बंदे, पता लगे। सर इनमें इतना हौसला नहीं है ये नंगे सर वाली सरकार कि ये आयत मुबाहला कुरान से पढ़ के इसकी तशरी सही मुस्लिम से बयान कर सके। नाम तो किताबो सुन्नत का लेते हैं ना, अंदाजा करो ये इन लोगों का लेवल है। Hey, y'all come look at this. अबू यया नूरपुरी जो मेरा भाई है वो डंगर, वो पता है इसको क्या कहता है कि ये मेरे सामने मैं कुरान पाक का सफा खोलूंगा। चलो वो कुरान पाक का एक सफा ही ऊपर से देख के पढ़ के दिखा दे, ये ऊपर से देख के कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ता। देखो यार कितना बड़ा धोखा दे रहे हो यार, मेरा दिमाग खराब है। उस्ताद जी रुको जरा, सब्र करो। ओ बनू मैया जो है ना जी, ये तो हजरत अली हसन हुसैन के साथियों की जूतियों में भी बैठ जाए ना, वैसे मैं तो कभी भी ना उधर भी ना बैठने दूं इन लोगों को, तुहाडी ए भी औकात नहीं, तो मैं अपनी जूतियां देना पवन देवा। गुस्ताखो तुसी साडे मौला अली ते लंदा करवाइया ने, तुहानू सी नेड़े लगन देईए।